सभी भाइयों को नमस्कार सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेरी फार्म पे यादव डेरी फार्म आप पशुपालकों के लिए एक सोशल मीडिया के जरिए एक पशुपालक एक किसान को व्यापारी से और एक व्यापारी को किसान से मिलाने का जो एक माध्यम मात्र है उसमें हम रूटीन से वीडियोस लेके आ रहे हैं और हमारा प्रयास अच्छा पशुधन दिखाने का है तो आज हम आपको मिल्किंग वीडियो दिखा रहे हैं खाली बाल्टी आप पशुपालक भाइयों को दिखा दी गई है वीडियो को लास्ट तक देखें वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो है क्योंकि जो काफ़ी कमेंटेटर होते हैं उनके एक स्पेशल कमेंट में होता है कि मोस्टली जो वीडियोज़ हम कवर करते हैं हम किसी और व्यापारी के किसी किसान के घर पे दो टाइम मिल्किंग शायद करें ना करें लेकिन उसका दूध कम हो ज़्यादा हो उस चीज से हमें किसी तरह का कोई वो नहीं लेकिन जो लेने वाले भाई हैं उनको हम बार बार वीडियो में ये बोलते हैं कि आप दूध देख के ले पशुधन जांच के लें उसके बावजूद काफ़ी भाई हैं जो कमेंट में लिख देते हैं कि वैसे बोल देते हैं इतना दूध है नहीं है तो आज हम अपने फार्म से एक मिल्किंग वीडियो लेके आ रहे हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले जो भी पशुपालक इस वीडियो को देख पा रहे हैं या जो भी भाई बाद में इस वीडियो को देखेंगे सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक प्रार्थना करते हैं कि सभी भाइयों की दीपावली बहुत खुशी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं कोशिश करें कि इस उत्सव के साथ में आप पर्यावरण का काफ़ी ध्यान रखेंगे क्योंकि आजकल जो दीपावली पे छोटे बच्चे हैं वो पटाखे वगैरह ज़्यादा चलाते हैं तो वो अपना भी बचाव रखें और साथ में पर्यावरण का भी बचाव रखें तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं आपके अपने फार्म यादव डेयरी फार्म से जो रूटीन से हमारा बिक्री का काम है और आप भाई किसी भी टाइम हमारे पास पशु के लिए आएंगे हमारे फार्म पे आपको चार पांच बैसे सिलेक्टेड मिलेंगी तो हमने इस जोटी की वीडियो दिखाई थी उस टाइम पर हमारी एक भाई से डील भी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम कल आएंगे उसने लगभग दो हजार रुपये का टोकन मनी डाल के और वो भाई फिर नहीं आया तो उसके बावजूद मैं कहूँगा आज हम फिर इस जोटी की मिल्किंग दिखा रहे हैं क्योंकि लगभग हमने चौदह लीटर के समथिंग दूध उस वीडियो में आप भाइयों को बताया था जो आज से दो या तीन दिन पहले अपलोड की थी तो आज सेकेंड टाइमर जोटी लगभग आठ दिन के आसपास ब्याई हुई हो चुकी है और इसकी मिल्किंग हम वीडियो लेके आ रहे हैं बिल्कुल छोटे सींग की गठिले शरीर की एक ऐसा शरीर का साइज अडर की क्वालिटी थनों का स्पेसिंग मैं कहूँगा विरले ही आपको किसी पशुधन में देखने को मिलेगा तो इसकी मिल्किंग वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं मैं एक चीज बताना चाहूँगा अगाड़ी का दूध आपको दिखाया जाए लगभग दो से सवा दो किलो के चाहे ढाई किलो हो लेकिन हम सवा दो किलो की अगाड़ी आज इसकी प्रजेंट में मान रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा साथ में इसके मेल काफ है पशुधन काफ़ी भाई बोलते हैं कि हमें अच्छी बड़े ऑर्डर की और शानदार क्वालिटी की चाहिए तो हमने उम्मीद की थी कि लगभग जोटी सोलह सत्रह किलो दूध निकाल देगी लेकिन जिस हिसाब से फर्स्ट टाइम में जोटी की परफॉर्मेंस थी उसी हिसाब से सेकंड में अभी हमें लग रहा है कि जोटी और भी अच्छा दूध निकालेगी तो आज की मिल्किंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं किसी तरह का जो मिल्किंग है काफ़ी पशुपालक बोलते हैं कि दो टाइम की कीजिए तो देखिए दो टाइम मिल्किंग के लिए ये नहीं कि बाल्टी ली और चुआई कर देनी काफ़ी व्यवस्थाएं होती हैं और जिसमें हम बात करें कि जो पशु है उसकी साथ, साथ में जैसे कैमरा मैन कैमरा लाइट की व्यवस्था तो और अगर दो टाइम की मिल्किंग हम अगर कर भी देते हैं तो पशुपालक फिर ए, मेरे हिसाब से किसी की भी करते हैं तो वो एक आंख मींच लेता है उस चीज़ पे भरोसा कर लेता है लेकिन हम एक टाइम की मिल्किंग मोस्टली तो इसलिए करते हैं कि हम हर उस पशुपालक की कवरेज लेके आते हैं जो अच्छी क्वालिटी का पशु रखता है तो अगर हम अपनी कवरेज दो दो तीन तीन दिन चलाते रहेंगे तो फिर बाहर के जो किसान हैं उनको या व्यापारिक वर्ग के भाई हैं उनको क्योंकि आज मुर्रा की खान हरियाणा को माना जाता है और इसमें जो बाहर से पशुपालक हैं काफ़ी सारा पशुधन एक साथ लेके जा रहे हैं तो हमारा भी प्रयास रहता है कि हम पशुपालकों को अच्छी वीडियो रेगुलर दिखाएं और उसी प्रयास में हम आज आपके साथ ये मिल्किंग शेयर कर रहे हैं प्रयास काफी अच्छा दूध निकलवाने का है काफी शानदार जो चुआई इस जोटी की मैं कहूँगा इतनी सॉफ्ट चुवाई एच गाय की तरह और इस साल की हम कहेंगे सबसे बड़े आर्डर की सुपर जोटी हम इसको कहेंगे आर्डर के मामले में क्योंकि बड़ा आर्डर होना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन उसमें दूध निकालना बहुत बड़ी बात है और जितना बड़ा इसका लेवा है खाली भी उतना ही करती है जोटी तो फिलहाल इसको नॉर्मल फीडिंग चल रही है गेहूं का कनक का दलिया पका के और बनोड़े की खड़ चने का छिलका चने की चूरी नॉर्मल डाल रहे हैं उम्मीद जब पूरा पीक लेंगे अच्छी केयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा दूध निकालेगी और हम हर बार बोलने से ज़्यादा निकालने पे विश्वास रखते हैं क्योंकि किसी को कुछ बोलना बड़ी बात है वीडियो में बीस लीटर दूध अट्ठारह लीटर दूध बोलना कोई बड़ी बात नहीं हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते क्योंकि कैमरा जब ओपन होता है तो अगला पशुपालक अपनी डिटेल साझा करता है और उसमें हम आपके समक्ष लेके आने का एक माध्यम मात्र हैं बाकी ऑनलाइन जो पशु खरीदते हैं वो एक विश्वासमंद आदमी के पास खरीदे क्योंकि पशु के किसी ठंड में दार भी फट सकती है पशु पीछा भी दिखा सकता है काफ़ी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो बाद में काफ़ी बड़ा रिजल्ट देती हैं तो आज आप भाइयों के लिए दूसरे ब्यात की जोटी और उम्मीद फिर से कहेंगे काफ़ी अच्छे दूध की है मिल्किंग जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है अभी ये दूध आपको नाप के दिखा दिया जाए जाएगा लगभग बच्चे को थोड़ा दूध छोड़ा है हम नहीं कहेंगे कि एक किलो लेकिन थोड़ा दूध छोड़ा है अभी जोटी में जो दूध है वो एग्जिट राइट दूध होगा जो इसमें कोई भी भाई दो टाइम भी देख सकता है कोई समस्या नहीं तो अभी आपको ये नाप के दिखा दिया जाएगा जब लगभग तीस पैंतीस दिन तक दूध बनाती है ताजी ब्याई हुई जोटी तुरंत दूध से काफ़ी अच्छी उठी है तो आप भाई जो है खुद काउंटिंग करें ताकि आपकी संतुष्टि हो और जो लेने वाले भाई हैं इंटरेस्टेड बायर से वो फ़ोन करें उम्मीद फिर से कहेंगे दूध दोबारा जब तुलेगा तो काफ़ी अच्छा दूध है दोबारा निकलवाएंगे लेकिन जो ब्रीडिंग एवज से भाइयों की काफी डिमांड थी वो इस पशुधन को ले सकते हैं दूध की मपाई है वो स्टार्ट कर दी गई है दो लीटर दूध आपके सामने अभी मप रहा है खुद भी काउंटिंग करें तीन लीटर चार लीटर जबकि हमने उसमें लगभग तेरह चौदह लीटर के समथिंग बताया था पांच लीटर छ लीटर और ये साथ और अभी लास्ट में माफ दिया जाएगा बच्चे समेत आप ये दूध कोई भी भाई हम बच्चे का छोड़ा हुआ है उसको काउंट नहीं करेंगे पूरा आठ लीटर दूध है देख सकता है आप भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सभी भाई जुड़े सभी का धन्यवाद सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी पशुपालकों को नमस्कार सत श्रीकाल राम राम